क्या बोलूँ, मतलब यार सही में ये वीडियो बेसिकली कल आने वाली थी, बट यार बट भैया किस्मत इतनी ख़राब कि तुम पूछो ही मत। मतलब मेरा सब कुछ हो गया था, जस्ट वॉइस ओवर करना बाकी था। और मैंने सोचा वॉइस ओवर करने से पहले थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, बिकॉज मैंने सुबह से लगभग कुछ खाया भी नहीं था। तो मैं जस्ट खाने गया। अब खाने गया तो यार अकेले अकेले खाना खाने में मज़ा नहीं आता, तो मैंने दो चार वीडियो देखी भैया यूट्यूब पे। अब वो वीडियो देखते देखते भैया खाना तो मैंने खत्म कर लिया, लेकिन भैया जो वीडियो देखने में मदहोशी हुई ना भाई, वो आधे घंटे तक और चल गई। तो मैं वीडियो देखता ही रहा, और भाई सही में इतने में जो है लाइट चली गई। और उसके बाद तुम यकीन मानो भाई साहब, लाइट वालों को फोन करा, सब कुछ करा, लेकिन लाइट के नाम पर घंटा कुछ नहीं आया। और सीरियसली यार, अब जब मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ ना, लगभग भाई 3 साढ़े 3 बज, 3:30, हाँ 3:44 हो रहे हैं, और तब आई है एग्जैक्टली लाइट। तो समझ रहे हो ना, मतलब यार कि कितना दुख है भैया इस जिंदगी में सही में। फिलहाल तो यार ये दुख को रखो साइड में, अभी देखो हम बातों बातों में नीचे कूद गए यार, और बंदे जस्ट आ गई है। Watch out! फिलहाल यार यहाँ पे सामने वाला जो बंदा था ना, वो तो भाई पूरा ही फॉल बैक कर गया। मतलब मैंने सोचा चलो भैया चौड़ में चल के इससे फाइट ले ही लेता हूँ, लेकिन भैया वो जो है पूरा ही भग गया कसम से। फिलहाल गाइस यहाँ पे जब वो भग गया तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ उसका, और फाइनली जब मुझे नहीं समझ में आया कि वो बंदा है आसपास, तो मैंने अपने टीममेट को जो है दे दिया। और इतने में भैया ये देखो सामने भाई, ये स्टेच्यू ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन कसम से यार बिल्कुल डराई सा दिया था सही यार ये बंदा। मतलब लाइक ऊपर वाले जो बंदे को मैंने मारा था ना, उसने भी एंडी वैंडी पहन रखा था, आई थिंक उसी की आत्मा है। अब ये कैसा हिसाब किताब है आई डोंट नो, बट हाँ ये ऑब्वियसली मरने भी नहीं वाला। फिलहाल तो भाई थोड़ी देर इसके साथ थोड़े मजे लिए, उसके बाद निकल लिए भैया आगे की तरफ। और जैसे ही मैं इस तरफ आया गाइस, ये आ गए खतरनाक वाले फायरिंग साउंड। अब यहाँ हम थोड़ा सा आगे आए तो भैया यहाँ देखो स्पाइडर मैन लगा पड़ा है अपनी फाइटें लेने में, ठीक है, लेकिन ये बंदा कहाँ होगा मैं वही सोच के आगे बढ़ता हूँ। और तभी भाई जालधारियों की नगरी में आके तुम भैया सपेरे बन रहे हो, ये तो बहुत ही गलत बात है, मतलब बिल्कुल ही नाइंसाफी है। फिलहाल गाइस यहाँ पे ये भाई को भी भरा, और उसके बाद जैसे इसकी लुट्टू वुट्टू करी, एंड देन गाइस यहाँ पे स्पाइडर मैन जो माल हमारे लिए छोड़ के जाएगा ना गाइस, भाई हमने तो कोई हेल्प वेल्प करी भी नहीं है, मतलब खाम खाम ये स्पाइडर हमसे चेप होता है ऐसे ऐसे ही यार। फिलहाल तो कोई कोई बात नहीं यार, शायद यार ये भी मेरा फैन होगा मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे लूट करके हम जो निकल लेते हैं, लेकिन अगर आपने नोटिस करा हो तो यहाँ पे सारे के सारे बंदे जो है लगभग 9 की हुए थे। तो एक डर था कि भाई यहाँ वाले भैया रिकॉल टावर पे कहीं कोई ना हो, तो भैया मेरी नजर वहीं की तरफ थी। बट यार ये आउट ऑफ कोर्स ही आ गया, जो भी गाइस यहाँ इसको फुल सजा दी हमने, तुरंत ही कंफर्म कर दिया। और यहाँ जाहिर सी बात है बंदा नॉक हुआ है, तो और बंदे इसके पक्का होने ही चाहिए। तो मैं थोड़ा सा खोजता हूँ भैया और निहारता हूँ बंदे, और तभी कोई भी नहीं दिखता है। तो भैया कुल मिलाकर बात ये, चुपचाप से अपनी गाड़ी को उठाओ और निकल लो यहाँ से। बट भैया अब भी सरप्राइज मिलना बाकी था। भाई ये बंदे ना कसम से हार्ट अटैक दे देते हैं सीरियसली, लेकिन जो भी गाइस अभी के लिए तो मैं आप सीधे रश कर देता हूँ उस बंदे की तरफ। बट मेरे पास थोड़े से छोटे उनके लड्डू देते हैं, चलो ये वो पहले ट्राई करे जाए, और देखो यहाँ पे ये लड्डू कैसा जाने वाला है। एकदम तीखा कड़क। बट भाई तुम यहाँ अभी ये देखो, ये बाइजन वाला बंदा कहाँ है कोई आइडिया नहीं। हाँ मुझे बंदा तो सही में समझ में नहीं आया एग्जैक्टली है कहाँ पर, लेकिन हाँ इतना है यहाँ मैंने अपने टीममेट को जैसे रिवाइव दे दिया स्मोक करके। और उसके बाद यार यहाँ मैं अपना किल ढूंढ रहा होता हूँ, ये नॉक वाला बंदा कहाँ गया कंफर्म कर दूँ उसे। बट भाई भाई यार ये बंदा है तो हल्का फुल्का डैमेज, तो यहाँ हम जो इसकी तरफ डायरेक्टली पुश कर देते हैं, लेकिन जब जब भैया मेरे पास ये छोटे भीम के लड्डू होते हैं तो कसम से यार फेंकने का मन कर ही देता है। और यार बंदा ये भी बूम, लेकिन भैया यहाँ पे हम इसे जो है कंफर्म नहीं करने वाले, थोड़ा सा हम इसे जो मजे लेने वाले, बिकॉज हमें पता है यहाँ 3 ही बंदे होंगे, एक इनका चौथा बंदा कहीं मौज ले रहा होगा, और कहाँ मुझे जानना भी नहीं है वो। लेकिन अभी के लिए तो यहाँ पे जो हम इसे अंदर उठा के लेके आए और थोड़े से मजे लिए। बट यार
वो मेरे ज़्यादा भारी पड़ जाएंगे क्योंकि भैया जोन आ रही है, तो भैया जल्दी से इसे फिनिश करा, लूटा और निकल लिया वापस से जोन की तरफ। और जैसे मैं यहाँ आया भाई, देखो यहाँ हमारी गाड़ी का जो टायर फूटा है, तो मैं जो ये बग्गी उठाता हूँ और तभी ये इसने कब ज्वाइन कर ली गॉर्डल, खैर मुझे पता ना, कमेंट करके जरूर। लेकिन भैया अभी के लिए इतना है, भैया हमको निकलना पड़ेगा वापस से जोन की तरफ, बिकॉज भैया हम फिर से आउट ऑफ जोन थे। और इस बार ना भाई साहब हमें बहुत लंबा सफर तय करना पड़ा जोन में जाने के लिए। और साथ ही साथ तुम यहाँ ये देखो, जैसे हम जोन में दाखिल हुए ना भाई साहब, भाई बंदों ने ऑलरेडी इन्वाइट कर दिया है कि भैया आओ पार्टी चल रही है, शामिल हो जाओ। भाई मैं सही बताऊँ ना, मुझे ना अभी अपने इस शॉट की तारीफ करनी थी, बिकॉज यार मैंने क्या ही एंगल बनाया था उस बंदे को नॉक करने के लिए। लेकिन भाई इस बंदे ने ना भैया पूरा गुड़ गोबर कर दिया सही में। फिलहाल तो गाइस यहाँ मुझे डर ये लग रहा है कि ये बंदे रश ना कर दे और हमारा काम तमाम, बट यार ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन हाँ इतना है भैया, हम जरूर रश करने वाले हैं सामने वाले बंदों की तरफ। अब भाई जैसे ये स्क्वाड खत्म, तभी सेम टाइम पे मेरे को एक फुट साउंड और आया बाहर की तरफ से। अब ये एक अलग ही स्क्वाड है, जो मैंने दूर वाला बंदा नॉक कर दिया, लेकिन एक बंदा सामने पत्थर की तरफ भी है, तो मैंने एक ग्रेनेड और ट्राई करा, बट भाई कसम से इस बंदे की तुम किस्मत मानो कुछ भी मानो, लेकिन सही में भैया जो भी था बहुत कर रहा था। भाई बंदा इस ग्रेनेड से ही बच गया, जबकि ये तो ना एकदम परफेक्ट ग्रेनेड जाना चाहिए। लेकिन जो भी गाइस अभी के लिए मैं थोड़ा सा और स्पॉट कर रहा था, ये एग्जैक्टली बंदा भाग कहां गया है। और भाई बंदे की किस्मत यहाँ भी काफी सही। फिलहाल जो भी गाइस अभी के लिए बंदा बच तो चुका है, लेकिन भैया कब तक ये देखने वाली बात है। अब फिलहाल के लिए गाइस हमें भी जो हल्का जोन में जाना था, और यहाँ देखो राइट में ही बंदे हैं तो सामने ही बंदे हैं, लेकिन उसके बावजूद गाइस यहाँ देखो हम कितने चौड़ में गाड़ी उठा के निकले हैं। बेसिकली मेरे जो खिल कम थे, तो मैंने कहा भैया देखो साफ सी बात है, मुझे फाइट लेनी है और लेनी है, तो मैं तो सीधे चलाया गाड़ी लेकर। और भाई सबसे पहले तो ये वाले बंदे को नॉक करा, और साथ ही साथ यहाँ मुझे लगा कि ये बंदा नॉक हुआ है तो अब कुछ नहीं, एक आधी बंदे और होने चाहिए आसपास, बट यार कोई भी नहीं मिलता यहाँ पे। लेकिन साथ ही साथ जैसे अपनी गाड़ी में यहाँ पे रोकता हूँ ना भैया, तभी मुझे नीचे वाले घर की तरफ एक बंदा स्पॉट होता है। Watch out! और भाई साहब ओपन में बंदा नॉक तो कर दिया, लेकिन साथ साथ गाइस यहाँ पे देखो अब होगा डायरेक्ट रश, वो भी सामने वाले घर की तरफ। अब पहले तो नहीं समझ में आया कि सामने कोई बंदे भी है, लेकिन जैसे हल्का हल्का आगे बढ़े स्कोप खोला, भैया सामने की तरफ निकलती है दो दो स्क्वाडे। अब यार यहाँ पे एक स्क्वाड फिनिश हो चुकी है, लेकिन सामने से एक फुट साउंड मेरे को अभी भी आ रहा है। तो तुम यहाँ पे एक चीज देखो कि मैं जो है इस बंदे पे कितना हार्ड ट्राई करने वाला हूँ उसे मारने के लिए, मतलब ये किल जो अपने नाम कर लूँ, बट भाई कसम से इस बंदे की किस्मत फिर से काफी अच्छी। मतलब तुम यहाँ पे देखो बंदा ऑब्वियसली यहाँ लेफ्ट जो कट्ठा रखा है ना भैया उसके पीछे ही होगा, तो मैंने ये देखो यहाँ पे प्यारा ग्रेनेड कुक करा और
भाई कोई कैसे बच सकता है इस ग्रेनेड से। और वहीं यार जैसे मेरे टीममेट ने ग्रेनेड फेंका भाई, उससे बंदा स्वाहा। मतलब तुम सही में से क्या कहोगे, किस्मत फूटी या फिर इस बंदे के नसीब में था ही नहीं मेरे हाथों से मरना, उल्टा भी हो सकता है। खैर अभी के लिए तो गाइस अब हम निकलते जोन की तरफ और चले आए यहाँ पे ये वाले टावर की तरफ, बिकॉज ये अकेला ही लगभग जोन में था। इसके अलावा यहाँ पे ज्यादा कुछ खास कंपाउंड जोन में थे भी नहीं। और कॉर्नर पे तो हमें लगा ऐसे यहाँ से एक आधी बंदे स्पॉट हो सकते हैं। और देखो भैया हमारा ये अजम्पशन कितना ही सही था। अब देखो यार इनका राम नाम सत्य तो हमने कर दिया, लेकिन भैया जो पीछे यूएमपी वाला बंदा है ना, इसके चलते मुझे जो नीचे कूदना पड़ सकता है। और तभी भाई मुझे लगा ये बंदे रुकेंगे यहाँ पे आके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हाँ जो पीछे यूएमपी वाले बंदे थे ना भैया, उनका भैया अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज यार वो ओपन भी लेटे पड़े हैं। अब यार मेरे टीममेट एक बंदा तो नॉक कर दिया, लेकिन भैया जब तक भैया मेरे को दूसरा बंदा स्पॉट होता तो नहीं मेरे ही टीममेट नॉक। खैर छुप गई, अभी के लिए तो मैं रिवाइव दे देता हूँ। और उसके बाद जो है ना, अब देखो भैया हमें कोई आइडिया नहीं बंदा कहाँ लेटा होगा। तो भैया यहाँ देखो मैं जो है ना नॉक वाले बंदे को कन्फर्म बिल्कुल नहीं करने वाला, बल्कि अपनी गाड़ी उठाता हूँ और चल पड़ता हूँ उसी की तरफ। और भाई ये लो इजी पीजी बंदा, ये भी नॉक। फिलहाल गाइस यहाँ पे यार नॉक हुआ है तो ऑब्वियसली इसका एक टीममेट और पक्का होना ही चाहिए। तो यहाँ देखो हम थोड़ी देर गाड़ी और घुमाते हैं, बट भाई यकीन मानो यहाँ आप खो ही नहीं मिलने वाला। तो भाई ऐसा है ज्यादा देर ओपन में रहने का रिस्क हम बिल्कुल नहीं लेने वाले, तो वैसे वापस गाड़ी को उठाएंगे और निकलेंगे कंपाउंड की तरफ, बिकॉज ज्यादा बंदे लाइफ थे ही नहीं, जोन में रहेगा सिर्फ और सिर्फ चार बंदे, तो ओपन में खाम खा में रिस्क क्यों ही लेना। तो चलते सीधे कंपाउंड की तरफ। अगर ये वाले बंदे को तो नॉक फिनिश कर दिया, बट अगर आप नोटिस कराओ तो हमने एक बंदे को जो स्क्वाडर्स की तरफ भी देखा था। तो यहाँ मैं थोड़ी सी ग्रेनेड वगैरह खोज रहा होता हूँ, बिकॉज मैंने सोचा उस वाले बंदे को जो ग्रेनेड से भर दूंगा इजी पीजी, उनको छत पे ही लेटा होगा या फिर बैठा होगा, बट मुझे कोई ग्रेनेड वगैरह मिलता ही नहीं है। तो यहाँ देखो मैं आता हूँ क्लोजिंग करने के लिए। और गाइस ये बंदा भी खत्म। और भैया अब बचा है जोन में सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट बंदा, तो यहाँ पे उसे ढूंढने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो हमें अपने आप ही मिलने वाला। अब फिलहाल क्योंकि एक ही बंदा बचा है तो भैया मैं तो गाड़ी लेकर निकल चलता हूँ उसी की तलाश में। और भाई जैसे ही आया मैं हल्का सा आगे, भाई साहब ये बंदे ने जो है ना अपने हथियार ऑलरेडी डाल दिए थे। खैर जब वो फाइट लेने को तैयार है ही नहीं, तो भैया हम भी खाम खामे क्यों मारे उसे। हमने भी गाड़ी का हॉर्न बजाया और उसे बिठाया गाड़ी में और थोड़ी सी वार्तालाप करने की कोशिश करी, लेकिन भैया को भैया पता नहीं हमारी आवाज आ नहीं रही थी कि वो हमसे इंटरेस्टेड थे नहीं बात करने में, आई डोंट नो। बट हाँ इतना है हमने कहा टाटा बाय बाय गुड बाय, जाओ तुम यार हम भी तुमसे बात नहीं करेंगे, जब भी हम भी रूठ गए हैं। तो इसी रूठा राटी के साथ गाइस हो चुका है अपना एक प्यारा सा बिनर बिनर चिकन डिनर। बट भाई तुम मत रूठो यार, तुम लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दो। बाकी अभी के लिए मैं चलता है, मिले कल फिर से, लव यू, स्टे सेफ गाइस, कीप सपोर्ट।